हेलो पेरेंट्स, मम्मी का क्वेश्चन ज़्यादातर होता है अपने बच्चे के लिए कि मोटा नहीं होता। सो आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी खाने हैं क्या कि जो मैं खिलाऊं तो मेरा बच्चा मोटा हो जाए। खाना अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है एंड हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत 6 months ऑनवर्ड्स ही कर देनी चाहिए। अगर बच्चा शुरुआत में अच्छा खाना नहीं खाता या खाने की आदत नहीं डालता 6 months ऑनवर्ड्स, तो बिलीव मी 5 साल में जब वो स्कूल जाएगा तो वो खाना नहीं खाएगा। अगर हम शुरुआत ही प्रिजर्वेटिव फूड से करेंगे और वो होम बेस्ड नहीं होगा, तो बिलीव मी ये बच्चे 5 साल पे जाके फिर जंक ही खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। सो क्या इम्पॉर्टेंट है खिलाना? सबसे पहले राइट फूड, जो खाना खिलाना है उसकी डिसीजन राइट होना चाहिए। सेकेंड, राइट टाइम, एज आई टोल्ड यू 6 months ऑनवर्ड्स। थर्ड इज राइट टेक्स्चर। बहुत सारे बच्चे साल के बाद भी वो प्यूरी फॉर्म ही खाते रहते हैं, जो कि सिर्फ 6 to 8 months पे ही हम आपको एडवाइस करते हैं। सो क्या खाना है जिससे बच्चे का वेट अच्छा हो जाए, जो वेट गेन नहीं कर रहे, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। अब जो डाइट में एडिशंस करनी है नॉर्मल होम डाइट में, वो है नंबर 1 घी। एनिमल फैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉट ओनली एनर्जी बट ऑल्सो some important components which are required for the brain growth। तो अगर यहीं पर कहोगे ना कि brain foods कौन से होते हैं, दिमाग को तेज़ करने वाले food कौन से होते हैं, तो वहाँ भी नंबर 1 पे आएगा घी, जिसको हम कहते हैं हमारे दादी नानी जो हमें खिलाती थी देसी घी। कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट ओनली द बेस फॉर माइलिनेशन, माने ब्रेन की ग्रोथ के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी अदर कंपोनेंट्स इन द ब्रेन डेवलपमेंट। सेकेंड, अगर बच्चा 1 year से अबव है तो उसके खाने में हम कहीं ना कहीं नट्स की इंटेक बढ़ा सकते हैं, ड्राई नट्स और व्हाट वी से ड्राई फ्रूट्स। नट्स आर वेरी रिच इन सोर्स नॉट ओनली ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड गुड फैट, बट ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स। सो अ हैंडफुल ऑफ नट्स, एक मुट्ठी नट्स, जिसमें सब तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 1 काजू बादाम, आप उसमें ऑल वॉलनट, यू कैन ऐड एनीथिंग। सो हैंडफुल ऑफ नट्स इज़ अ गुड न्यूट्रल सप्लीमेंट जिन बच्चों के लिए वेट गेन इज़ एन इशू, बट प्रोवाइडेड आप 1 year के बाद शुरू करें एंड बच्चे को कोई नट एलर्जी ना हो, इसलिए एक एक करके नट इंट्रोड्यूस करें। नंबर 3, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को खाने में सब तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दी जाए। हमें सिर्फ फैट ही नहीं खिलाना बच्चे को कि उसका वज़न बढ़ जाए, बट हमें सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स भी थ्रू फूड ही देना है। सो ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अलाउड। तो मैं यही एक पेरेंट्स को बताती हूँ काउंसलिंग के टाइम कि सारे फ्रूट्स सारी वेजिटेबल्स अलाउड हैं फॉर अ चाइल्ड हु इज़ मोर देन 6 months। सो फ्रूट्स जिसमें रेनबो कलर्स, वेजिटेबल्स जिसमें रेनबो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कलर के खाना खाना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स यू टू गेट सो मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर फर्दर हेल्पफुल फॉर वेट गेन। कहीं ना कहीं आपकी वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं एंड दस हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और वेट गेन में मदद करेंगे। सो ये इनडायरेक्ट वे है, बट देन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अच्छी डाइट में। देन कम्स वेट अगर गेन नहीं हो रहा बच्चे का तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। देयर कुड बी सर्टन एलर्जीज और सर्टन डिजीजेज विच योर चाइल्ड माइट बी फेसिंग, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और कोई लक्षण नहीं आता उसमें। ओनली पुअर वेट गेन इज़ अ प्रेजेंटेशन। सो गो विजिट योर डॉक्टर विद योर प्रॉब्लम एंड डिस्कस योर डाइट शेड्यूल। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से अपना डाइट शेड्यूल भी डिस्कस करें। हो सकता है आपका जो डाइटरी पैटर्न है या जो डाइटरी सिलेक्शन है, फूड का सिलेक्शन है, कहीं वहीं गलत हो, जिसमें फूड में रफेज तो जा रहा है बट कुछ भी ऐसा डाइट नहीं जा रहा जो उसकी वेट गेन में मदद करे। सो डू टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन। एक और चीज़ कि हमें सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कहें तो दवाइयाँ, यस, इन द फॉर्म ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। ये 2 सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए। सो ये सप्लीमेंट्स के बारे में अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें एंड राइट टाइम पे उनको इंट्रोड्यूस करें, जो आपके प्रॉपर वेट गेन के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। सो विद दिस आई समराइज, राइट फूड, राइट टाइम एंड राइट टेक्स्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड फॉर अ हेल्दी वेट गेन। वेट गेन हेल्दी है बट एक पर्टिकुलर स्पीड पे, सो वॉच योर वेट। थैंक यू।